बाइक में भी लीग में जो सबसे बेस्ट बाइक है ना वो, और गाड़ी के अंदर भी लीग में जो सबसे बेस्ट गाड़ी है ना जिसका नाम चलता है वो लेना तो हन्ना भाई। अंकल जी सही है, बढ़िया है। बाकी यार आज फिर से ना मोटा खर्चा होना अपनी बाइक में, ब्रेक पैड्स डाल लिए हैं। अरे भाई लेदर बिल्कुल खत्म हो चुके गाइस, ग्रिप सारी खत्म हो चुकी है, और इस बार अच्छा चला टायर, तो बीच में से गया टायर, साइडों से नहीं गया था। भाई ने जो मॉडिफिकेशन करी है ना भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक करी है, एक साथ दो बड़े एग्जॉस्ट, और देखो ना भाई साहब स्पीकर भी लगे हुए हैं ऊपर। जो अपना पंजाब और जम्मू वाला ट्रिप है ना उस पे ऐसे ही लेके जाते हैं इस बाइक को। सो जी आज के दिन की शुरुआत हुई है सीधा ऑटो से, और भाई करना भाई जा रहा है एज ऑलवेज करोल बाग खर्चा करने। आज के दिन की शुरुआत खर्चे से हुई है और ऑटो से हुई है, और जो टाइम है 2:40, थोड़ा सा लेट निकला हूँ घर से क्योंकि भाई कॉल्स ही कॉल्स चल रही हैं। सबसे पहली बात करोल बाग में जा रहा हूँ अपनी बाइक का टायर चेंज कराने, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, कोई बात नहीं, बाइक का टायर चेंज कराना है, और अपने पैंथर के जो ब्रेक शू है ना वो भी ख़त्म हो चुके हैं कम्प्लीटली, आगे पीछे सारे के सारे सेट खत्म हो चुके हैं, तो वो भी डलवाना है। अब सबसे मेन चीज़, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो ना, खन्ना भाई ना घर गाड़ी ले आएगा अपनी, जो करना भाई का सबसे बड़ा सपना था वो पूरा हो जाएगा जितना अभी तक है। तो होप फॉर द बेस्ट, कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख देना। अगले वीडियो में गाड़ी दिखाऊंगा या हिंट दूंगा, लेकिन कल गाड़ी की चाबी मेरे हाथ में होगी, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आरआर का काम कराने जा रहा हूँ मैं ऑटो में, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा बट आरआर ना मेरी करोल बाग में ही खड़ी है, कल पहुँचा दी थी करोल बाग में आरआर को, सो अभी हेलमेट में कैरी कर रहा हूँ, टायर चेंज कराएंगे बाइक लेकर आ जाएंगे। भैया पूरा दबा दिया इन्होंने, डर सा गया मैं। भैया आगे ना लेफ्ट कटेगा ऊपर के लिए, आगे नीचे ऊपर के वहाँ चढ़ना है, भैया को रास्ता नहीं पता, भैया कह रहे करोल बाग चल लूँगा 250 रुपये लूँगा, लेकिन रास्ता पूरा समझा देना। मैंने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, लग रहा था काफ़ी बोल दिया करोल बाग की। टेक्सास की ये वाली गाड़ी मैंने पहली बार देखी है, SUV है भाई, बड़ी सही लग रही है। एंड यार मेरे को ना एक गाड़ी की शेप बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब फ्रंट से नहीं बैक से अगर बताऊँ तो वो है जी वरना भाई मेरी ऑल टाइम फेवरेट कार रही है इसकी, जो भाई ये लुक है ना बड़ा ही ज़्यादा लगता है यार। किस किस की फेवरेट है वरना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। इससे जो पहले वाली जेन थी सुंदर, उससे पहले वाली जेन और ज़्यादा सुंदर, ठीक है धीरे धीरे ना थोड़ा कर्वी और ज़्यादा कर रहे हैं, डिज़ाइन एलिमेंट्स चेंज करते जा रहे हैं, बट यार वरना रखना मेरे लिए एक टाइम पे ड्रीम है, लूँगा कभी वरना एज अ सेकेंडरी कार लूँगा, माता रानी कृपा करेगी ना, इतना पैसा हो अपने पास कि भाई वरना जैसी गाड़ी सेकेंडरी रखे तो भाई वरना रखेंगे पापा के लिए। और भाई सपने देखो बड़े, देखो और देखते रहो। बाकी आज कपड़े थोड़े रंग बिरंगे डाल लिए गाइस, भाई कपड़े लिए थे बहुत सारे, फटे पुराने हो गए थे, तो एक शर्ट में से ये निकल गया, एक में से ये निकल गया, एक में से ये निकल गया, एक में से ये निकल गया, सबको जोड़ के बना दिया भाई हमने एक टी शर्ट, US पोलो को हमने लगा दिया था स्टिकर। भैया उधर लेफ्ट, भैया आज आपको करोल बाग दिखा दिया हमने, पैसे मत लेना आज हमसे, इधर भैया इधर इधर। भाई इतनी गर्मी में अपने पैंथर को ना बाहर खड़ा कर रखा है यार, इतनी गर्मी। बाकी जी पीछे वाले टायर की अभी ये कंडीशन है, ग्रिप सारी खत्म हो चुकी है, और इस बार अच्छा चला टायर, तो बीच में से गया टायर, साइडों से नहीं गया ज़्यादा, तो ये वाला थ्रेड पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी भी चल जाएगा ये 600-700 हज़ार किलोमीटर, लेकिन भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना ज़िंदगी में, नो रिस्क। चढ़ाओ मेरे को देखने में नीचे लगता है नहीं लगता, हमारे देखने के चक्कर में हम बैली नहीं टच करवाएंगे, तो भाई बाइक को ना आज यहाँ ना लगा के यहाँ लगा रहे हैं, तो ना लोग बहुत ज़्यादा हैं, पीछे वाला टायर उतरेगा तो फिर दिक्कत होगी भाई, बाइक पर बढ़िया से वार्म अप हो जाए फिर लगाते हैं यहाँ पे। भाई ने जो मॉडिफिकेशन करी हुई है ना भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक करी हुई है, लगी नहीं थी वो टीवी है देख रहे हो, हाँ एक साथ दो बड़े एग्जॉस्ट, वो भी GPR, तो देख लो पीछे वाला टायर बंद करा हुआ है, वो देखो ना भाई साहब स्पीकर भी लगे हुए हैं ऊपर। समोसे मंगा लिए, ओए ओए समोसे मंगा लिए तुमने, शकल अच्छी बना लिया कर। तो भाई मेरे को ना गाड़ी में से कुछ सामान लेना था, गाड़ी तक जा रहा हूँ, भूख लग रही थी इसे समोसे मंगा लिए। चलो भाई इतनी देर फ़ोन भी चार्ज कर लेंगे, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। टायर का भी काम चालू हो जाएगा क्योंकि भाई लोग इन सब का चल रहा है लंच ब्रेक, अब जितनी देर खाना आ रहा है उतनी देर भाई लोग लगाएंगे टायर उतारने में भी, क्योंकि टायर उतारने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी यार आज फिर से ना मोटा खर्चा होना अपनी बाइक में, ब्रेक पैड्स डलने हैं, सेट डलने हैं, मतलब 3 सेट डलेंगे ब्रेक पैड्स के, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और S1000 RR में फर्स्ट टाइम ब्रेक पैड्स डल रहे हैं, तो भाई मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है
कि कितना एक्सपेंसिव होगा, बट हाँ जी हाँ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। टायर कॉर्सा 2 डलवा रहा हूँ मैं, जो मैंने पहले लगवा रखे थे, क्योंकि भाई मेरे को तो समझ आ गए थे वाले टायर। तो अब देखो भाई बहुत सारे खर्चे हैं जो होने वाले हैं। सुबह बाइक ऑन करते हो तो भाई ये खर्चे आपके मंथ बाय मंथ चलते रहते हैं। आप नई बाइक लोगे तो आप उसमें कभी कुछ करा रहे हो, उन सब चीजों के खर्चे, फिर इतने में सर्विस का टाइम आ जाएगा। तो भाई सुबह बाइक लेना है थोड़ा सा गेम महंगे वाला, बट अगर आपको मेंटेन करनी है ना ये सारी चीजें, तो भाई आपको ना फाइनेंशियली ना बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए मैं एक चीज ना हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, जो आपके अर्निंग के सोर्स होते हैं ना गाइज, वो हमेशा मल्टीपल होने चाहिए। अगर मैं अपना बताऊं तो जी मैं साइड अर्निंग्स के लिए यूज करता हूँ बिनोमो ऐप। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रुको, डिस्क्रिप्शन में जाओ और कमेंट सेक्शन में भी ना आपको एक लिंक मिलेगा विद माय प्रोमो कोड। उस लिंक पे आपको फटाफट से क्लिक करना है और मेरा प्रोमो कोड यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, और आज ही आपको डाउनलोड कर लेना है बिनोमो ऐप। सो गाइस, बिनोमो ऐप का इंटरफेस ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ अप एंड डाउन कर रहा है। सो बेसिकली हमें यही प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। हमारा प्रेडिक्शन सही जाता है तो हम अर्न करते हैं। अपने फेवरेट फीचर की बात करूं तो उसे कहते हैं 5 सेकंड ट्रेड। इसमें ग्राफ हर 5 सेकंड के अंदर चेंज होता है, यानी जो आपका रिजल्ट है 5 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा। एंड गाइस, सबसे पहले आपको अच्छे से नोटिस करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। उसके बाद पैसे लगा के, जैसे मुझे लगता है अप जाएगा, इसलिए मैंने अप वाले एरो के ऊपर क्लिक कर दिया है। लेट्स सी गाइस, मेरी प्रेडिक्शन सही जाती है या नहीं। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। ओ भाई साहब, मेरी प्रिडिक्शन गई बिल्कुल सही। इसी बात पे आपको एक बार फिर से ट्राई करके दिखाता हूँ मैं। सो गाइज, मुझे लगता है कि ग्राफ यहाँ से डाउन जाएगा, इसलिए मैं डाउन वाले एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ पैसे लगा के। लेट्स सी गाइज, फिर से मेरी प्रिडिक्शन सही जाती है या नहीं। लेट्स सी। ओ भाई साहब, फिर से मेरी प्रिडिक्शन गई बिल्कुल सही। सो ऐसे ही आप भी बिनोमो ऐप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है और आप अपने कमाए हुए पैसे को इजीली विड्रॉल भी कर सकते हो। एंड जी, एक चीज़ और आपका खन्ना भाई बोलता है, हमेशा बोलता है और हर बार बोलता है कि सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती। तो भाई नए नए स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो बिनोमो पे। जिनको नहीं भी आता ना, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भाई हमें आता नहीं बिनोमो ऐप यूज़ करना, बिनोमो ऐप का जो यूआई है ना बहुत ज़्यादा ईजी है। और बिनोमो ऐप पे ना आपको डेमो अकाउंट भी मिलता है, मतलब आपको रियल मनी नहीं लगानी, पहले आप डेमो अकाउंट पे अच्छे से ट्रेडिंग को सीख सकते हो। फिर उसके बाद जब आपको हो जाए ना खुद पे कॉन्फिडेंस कि भाई डेमो अकाउंट से मैं बहुत अच्छी अब ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको रियल अकाउंट से रियल मनी डाल के ट्रेड करना है, जिससे आप रियल मनी अर्न कर सको और अपनी प्यारी फैमिली को $10,000 भी मिलते हैं डेमो अकाउंट में। एंड गाइस, बिनोमो ऐप पे ना इनवाइट फ्रेंड का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो और वो रजिस्टर करते हैं, तो आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट। एंड यहाँ का कस्टमर सपोर्ट है जी एक नंबर। फिर बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा विद माई प्रोमो कोड। मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। बहुत देर हो गई है, फोन थोड़ा बहुत और चार्ज हो जाए, फटाफट फिर निकलते हैं यहाँ से बाइक के टायर को देखने के लिए। हाथ में गंदा हो रहा है और जी स्पेसशिप कुछ ऐसा लग रहा है पीछे से, नए ट्रिप पे ऐसे ही जाएंगे गाइस, गैप अच्छा लग रहा है भाई। जो अपना पंजाब और जम्मू वाला ट्रिप है ना, उस पर ऐसे ही लेके जाते हैं इस बाइक। क्या रिएक्शन आएंगे आपके? हाथ हार का पहिया लगा रहा है, गजब लगेगा। बाकी अभी के लिए मैं सिर्फ पीछे पीछे वाला टायर चेंज करा रहा हूँ, सेट चेंज नहीं करा रहा। आगे वाला ना भाई मेरा बहुत ज़्यादा बचा हुआ टायर, मैंने पीछे वाले टायर पे बर्नआउट पीलीज वगैरह 2-4 बार मारी थी ना, तो इससे जल्दी घिस गया, इसलिए फ्रंट टायर नहीं डलवा रहा, सिर्फ पीछे वाला टायर डलवा रहा हूँ। तो सब ये जाएगा, नया टायर लग के आएगा। इधर पड़ा वैसे नया टायर, ये पड़ा टायर आ चुका है, न्यू टायर लग के कॉर्सा 2 जो सेम लगा हुआ था। भैया जी, पहले अलॉय को एक बार अच्छे से क्लीन करना है, फिर लगाना है बस जी, क्योंकि खुला हुआ है ना, अभी बढ़िया से क्लीन हो जाएगा, बाद में ना पीछे हाथ नहीं जाता बढ़िया से। मार दीजिए बढ़िया से। और भाई ऐसे का ब्रेक पैड है जो आज डल नहीं पा रहे। अरे भाई, लेदर बिल्कुल खत्म हो चुका है गाइस, और ये अगर मैं दिखाऊँ तो ये पूरा खत्म हो चुका है। ये रोटर घिसना चालू कर दिया था इसने यहाँ से। तो अब जो हमारे वो नए वाले ब्रेक पैड्स है ना, उसका जो कलर है वो डिस्क को फिर से शेप में ले आएगा अच्छी वाली। तो भाई ये है इसका काम, ब्रेक पैड डल चुके अपने बढ़िया नए वाले। अब ये चलेंगे कम से कम नहीं तो 10,000 किलोमीटर तो चलेंगे आराम से। तो भाई चेन क्लीन और ल्यूब करना है, बाकी तो सारा काम हो गया। बाइक अपनी खड़ी है वहाँ पे। तब जोड़ के देखना, अपनी शर्ट बना ली, दिखाओ ना उनको येलो। किसने बनाया है? कंपनी ने पागल बनाया है। सेल में ली हुई होती है ना ये, वो 70% ऑफ, ये वो वाला माल है। मासूम का ब्रश मिल गया। अरे मैंने मजे लिए थे, ऐसे ही बोले थे उन लोगों ने सच में ब्रश। तो तेरा कोई बात नहीं मासूम, कोई बात नहीं मासूम, साफ है तेरा ब्रश। पेडॉक पेडॉक नहीं, सिखाना है तेरे को, इधर आ जा अंकल जी। सही है? हां बढ़िया है। बढ़िया है, थैंक यू सो मच अंकल जी। नमस्कार। चेन पता कितनी गंदी थी, ये देख रहे हो आप, जितना भी ये काला काला है ना, ये सारा का सारा मामला चेन में से निकला है। और यहाँ पे देखो, ये स्टैंड वगैरह हमने अच्छे से क्लीन करा, चेन अपनी ब्रांड न्यू हो चुकी है, और जितना काम कराना था आज के लिए हमने करा लिया। टायर न्यू हो गए, ब्रेक पैड न्यू हो गए, खर्चा हो गया बहुत ज़्यादा। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पैंथर अपना रेडी है और निकलने के लिए हम भी रेडी हैं। टाइम हो रहा है रात के 9:08। सो जी, बाइक अपनी फुल रेडी हो चुकी है,
एक बार बाहर से आपको लुक दिखा देता हूँ। अंत अंत की प्यारी, अंत की प्यारी। चल भाई वीरे, सी यू टुमारो। फोन तो दिखा दे अपना। तो गाइस ये देख रहे हो। तो मैं कह रहा था कि ना मैंने इसकी ब्रेक्स भी ब्लीड करवा दी थी। कोई भगानी नहीं है, भगानी नहीं है, भगानी नहीं है। ब्रेक नहीं लग रही है अभी ठीक से ना। क्या होता है, नया टायर होता है, उसके ऊपर पॉलिश होती है, थोड़ा बहुत किलोमीटर ना इसको प्यार से चलाना पड़ता है, उसके बाद अच्छे से ग्रिप पकड़ता है टायर। तो अभी तो देखो ग्रिप पकड़ेगा नहीं, तो टायर प्रेशर ठीक दिखा रहा है, ये मैंने चेक कर लिया। और बस फील लेना है नए टायर्स का, और कम से कम नहीं तो 5-6 हज़ार किलोमीटर की पीछे वाले टायर की तो टेंशन ख़त्म हो गई है। ओए होए 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 होए, कई बार ये वाला एग्जॉस्ट भी बहुत प्यार लगता है यार। और कई बार लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा कमी है, बट हाँ बाइक लेना एक टास्क था, तब मैं रेडी था कि भाई जब भी लूँगा ना तो खर्चे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। आपको ना हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। बाकी यार कसम से रोड ट्रिप का भी आपको अपडेट देता हूँ, गाड़ी का अपडेट दे चुका हूँ। कल सुबह सुबह गाड़ी अपने हाथों के अंदर होगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उस गाड़ी की चाबी अपने हाथ में होगी। और बड़ी गाड़ी है वो गाइस, बाप है इन सबका, सबका बाप है भाई। मतलब बाइक में भी लीग में जो सबसे बेस्ट बाइक है ना वो, और गाड़ी के अंदर भी लीग में जो सबसे बेस्ट गाड़ी है ना जिसका नाम चलता है वो लेना तो हन्ना भाई। बाकी यार मैं ट्राई बहुत करता हूँ डेली डेली ब्लॉग्स बनाने का, बट भाई बहुत बार ना चीज़ें अटक जाती हैं यार, सच्ची बहुत बार ऐसी चीज़ें अटक जाती हैं कि बस पूछो मत ना। एक बड़े वेंचर के ऊपर भी काम कर रहा है आपका हन्ना भाई। ट्राई तो देखो हन्ना भाई बहुत कुछ करता है कि चीज़ें पॉसिबल हो जाए, और मैं जल्दी पब्लिक भी नहीं करता जब तक चीज़ें हाथ में ना आ जाए, बट हाँ यार चीज़ें हाथ में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं होने में। सो भाई वहाँ पे ना लड़ाई हो रही थी, खन्ना भाई गया और मामला हो गया सेट। बाकी भाई मिले हमें, भाई ने एक टाइम पे मेरे को लिफ्ट दी थी। हाँ इस बाइक पे राइड ले चुका हूँ मैं एक बार। क्या बात है, क्या बात है, फिर से मिल गया मैं। चलो नाइस मीटिंग भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। खूब तरक्की कर मेरे भाई, खूब आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। बाकी यार मैं भी ना घर पहुंच चुका हूँ गाइस, आज थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया हूँ। द रीज़न इज़ मम्मा घर पे नहीं है, पापा और मैं ही हैं आजकल घर पे। तो भाई बाप बेटा क्या खाएंगे, कुछ तो गेम करना पड़ेगा ना। तो भाई टाइम से पहुंच गया हूँ, अब खाने पीने का मामला बैठाएंगे, देखते क्या मिलता है। अभी खाने को बाहर से ही लेके जाना पड़ेगा जितना मेरे को लग रहा है अभी तक।